बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, साथ ही साथ एक मिशनरी पार्टी भी है। ये अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़ रही है। इस पार्टी का सदस्य होना अपने आप में गौरव की बात है। जहाँ तक जनपद फिरोजाबाद की बात है, जनपद फिरोजाबाद में पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी नहीं जीत सकी और स्थिति बाद में ये बनी कि पांचों विधानसभाओं में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उसके जनाधार पर इस हार का कोई असर दिखाई नहीं दिया। आज भी बहुजन समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जनपद फिरोजाबाद में हैं, जो पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। पार्टी की हाईकमान द्वारा इस समय एक मुहिम चलाई जा रही है कि जो जहां का कद्दावर नेता है, जो जनाधार वाले नेता हैं, उनको पार्टी में शामिल कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाए। अगर हम जनपद फिरोजाबाद की बात करते हैं तो यहाँ लक्ष्मी नारायण बघेल जो एक कद्दावर नेता तो हैं ही, साथ ही साथ उनका उनकी जो लोकप्रियता है वो भी किसी से छुपी नहीं है। उसका प्रमाण हमें इसी बात से मिलता है कि जिस दिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी, जिस दिन वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे, उनके साथ साथ हजारों कार्यकर्ता विभिन्न विभिन्न पार्टियों को छोड़कर उसमें शामिल हुए। तो जब से लक्ष्मी नारायण बघेल बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं तो तब से पार्टी का जनाधार बढ़ा है और निश्चित रूप से दावे के साथ हम कह सकते हैं कि पार्टी को निश्चित रूप से उनका चुनाव में हर प्रकार से लाभ मिलेगा, साथ ही साथ पार्टी मजबूत भी होगी। लक्ष्मी नारायण बघेल हमारे साथ हैं, हम उनसे उनके भविष्य की राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे। साहब है इस मीटिंग में आपका स्वागत है। सबसे तो पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो है राष्ट्रीय जनवादी पार्टी कर्मचारी में अपनी राजनीति शुरू की और उस पार्टी का आपने सामने किया, उसे पद पर लिए, उसमें आखिर ऐसी क्या कमियां दिखाई दी आपको कि आपने उस पार्टी को छोड़ दिया? देखिए कभी तो कुछ नहीं, मैंने 2014 लोकसभा चुनाव इसी पार्टी से लड़ा और कुछ अपने अपने सर्कमटेंसेस होते हैं, कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से मैंने पार्टी को छोड़ा और मैंने पार्टी को छोड़ा। अच्छा, हम अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, आपने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया, आपके सामने विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, रालोद था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी थी, इन सारी पार्टियों को दरकिनार करते हुए आपने बहुजन समाज पार्टी को ही आगे पहुँचा। देखिए, मुझे पार्टी की नीति और रीति, बहुजन समाज पार्टी की नीति और रीति से मैं प्रभावित हुआ और यही कारण रहा कि मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोगों की धारणा है कि एक ही एक मिशन को लेकर चलती है, विशेष रूप से डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को लेकर चलती है, दूसरा ये पार्टी जातिवादी भी है, उसमें आपका क्या सोचना है और क्या है? ये तो आपने अच्छा रहा कि मिशन को लेकर के चलती है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया था कि जाति को लेकर के चलती है या जाति का प्रभाव है, तो मैं इस बात से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि इस पार्टी में, खास करके बहुजन समाज पार्टी में तो ये चीज़ नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, मैंने अभी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की नीति और नीति को लेकर जो मैंने इसको ग्रहण किया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले मैंने यही चीज़ देखी कि इस पार्टी में सभी के हितों को देखा गया। ये आपने भी देखा होगा कि जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो उसने कभी भी एक पक्षीय या एक जातीय या किसी एक जाति को लेकर के काम नहीं किया, सर्व समाज को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। और यह बात तो आपके चैनल से मैं कह ही रहा हूँ और अन्यथा पूरा देश भी जानता है, क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी जो है, मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रीय पार्टी है और पूरा देश इस बात को जानता है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व सुखाय सर्व हिताय की नीति पर चलती है और ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी इफेंड मत कर लेगी। अरे बघेल साहब, अब आप बहुजन समाज पार्टी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, आप बहुजन समाज पार्टी में अपना भविष्य
कैसा और किस प्रकार का व्यक्ति देखते हैं? देखिए, भविष्य तो काम बताता है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बहुजन समाज पार्टी में मैं अपने तन मन धन से काम करूँ और उस काम के लिहाज से भविष्य तय होते हैं। तो मैं अभी भविष्य की कोई घोषणा नहीं करना चाहता हूँ। सिंपल सा है कि मेरा काम अच्छा होगा तो कल को जनता मेरा साथ देगी, आप मेरा साथ देंगे, पूरा देश मेरा साथ देगा, मेरा शहर साथ देगा। तो उसी के आधार पर ही मैं समझता हूँ भविष्य तय। अच्छा, विशेष रूप से हम उस दिन की बात करें जिस दिन आपने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके हम भी गवाह हैं। उस दिन हजारों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके आपके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाया था। तो आप जब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, तो बहुजन समाज पार्टी में, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, आपके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को कितना और कैसा लाभ होने वाला? देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, तमाम हमारे समाज के लोग हैं वो मेरे साथ हैं। अब वो वजह तो मैं नहीं समझा सकता कि क्या वजह हो सकती है, और निश्चित रूप से ये तो मैं कहना ही चाहूँगा कि सबसे पहला उद्देश्य मेरा यही है कि बहुजन समाज पार्टी के मैं हित के लिए कार्य करूँ। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को आगामी चुनाव में लाभ मिलेगा, और उसे लाभ मिलेगा ही नहीं दिलवा के। बघेल साहब, हम जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो आप जिस समाज से हैं, आपके समाज का वोट पर्याप्त है पांचों विधानसभा, और स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से लोकसभा तो हारी हारी थी, उसके बाद पांचों विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने की हासिल चली है। तो अब आपके आने के बाद आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो पार्टी का एकदम एक प्रकार से यहाँ सुपड़ा साफ हो गया था जनपद में, आगामी चुनाव में स्थिति क्या रह सकती है? क्योंकि जब आप जैसा कद्दावर नेता, आप जैसा लोकप्रिय नेता पार्टी के सामने हुआ है, तो 2019 की हम विशेष रूप से बात करें तो कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारे वोट बैंक पर, यानी बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर या जनाधार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। स्थिति ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से इस समय मौजूदा सरकार ने लोगों को भ्रमित किया था, और जो अन्य पार्टियों का नुकसान हुआ था, और उन अन्य पार्टियों के नुकसान से मौजूदा सरकार की पार्टी को, यानी कि बीजेपी को जो लाभ मिला था, वो आगे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो भ्रमित हुए थे, वो मैं समझता हूँ कि कहते ना, काट की आंडी एक ही बार चढ़ सकती है, शायद दोबारा नहीं चढ़ती। तो निश्चित रूप से अब वो दोबारा नहीं चढ़ेगी, और जो भ्रमित हो गए थे वो अपने रास्तों पर दोबारा से वही लौटने लगे हैं कि हमें हमारे साथ छलावा हुआ है, लगी हुई है। भगेल साहब, एक टेक्निकल बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। स्थिति यह है कि अभी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मतलब पैक्ट हुआ है, गठबंधन हुआ है, तो जबकि ये दोनों पार्टियाँ एक लंबे समय से एक दूसरे की धुर बनती रही हैं, तो जो पैक्ट हुआ है वो पैक्ट क्या है? ये जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो आम कार्यकर्ता की मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से उस पैक्ट को अपने गले उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गठबंधन पर मैं इस पर सर इस समय कोई भी बात नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि गठबंधन जो चीज़ है वो हाईकमान को लेकर के है, क्या स्थिति बनती है, आगे क्या होना है, गठबंधन की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो हमारी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन पर अपना तन मन धन से काम करते हैं और आगे भी करेंगे। ये मेरा विश्वास है, उनका जैसा निर्देश होगा, जैसा निर्देश होगा बिल्कुल। ये तो भगत साहब देश के अंदर की बात है, अगर हम विदेशों की बात करें तो जैसा अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से टैग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, कि विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बहुत ही सशक्त राष्ट्र के रूप में पेश किया है और लोग जानने भी लगे, तो आपको क्या लगता है कि जो
भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति है उसमें देश के सम्मान के साथ वो सफल हुई है या नहीं। देखिए क्योंकि आपने एक बात कही थी कि मीडिया छाप रही है तो उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है कि मीडिया छाप रही है। अब कैसे छाप रही है ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं। अच्छा हम 2019 की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसी कौन सी बातें रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से विरोध में जाएंगे। अभी अभी तो मैं कह ही चुका हूँ कि आदमी एक आम जनता क्या चाहती है, एक सरकार बनने के बाद ये चाहती है महंगाई घटे, किराए घटे, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिलें, बस यही चीज़ चाहती है। और यही चीज़ अगर पूरी नहीं हुई तो उन्हीं को लेकर के आती है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को 2019 में ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसको पॉजिटिव उसके लिए रहेंगी, वो उसका जो जनाधार इस समय थोड़ा सा कम हुआ उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह से फिर अपने सवाल पर आए। देखिए पूरी तरह जनता उठ चुकी है और जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है उसकी सरकार भी है और उसमें ये सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर, बहुजन समाज पार्टी के दौरान की जो स्थिति रही है, हर जगह विकास, बिना भेदभाव के विकास, ये सब चीज़ें आगे चल करके हमें मैंडेट देना ही, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छी सरकार प्रदेश में तो खैर नहीं हो सकती, तो अगर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह चल सकती है तो देश में भी हमारी सरकार बहुत अच्छी। अगर बघेल साहब 2019 के चुनाव की बात करें तो जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि BSP और सपा दोनों का गठबंधन लगभग तय हो चुका है, ऐसी स्थिति में फिरोजाबाद के लिए जो फिरोजाबाद की लोकसभा सीट है वो विनिंग सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर अपना दावा करेगी। देखिए ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये काम जो है हाईकमान का है, जो भी हमारे हाईकमान का निर्देश रहेगा या क्या स्थिति रहेगी वो हम लोगों के लिए शर्माते हुए उसी के आधार पर हम काम करेंगे, हम एन जी के निर्देशन का। अंतिम सवाल एक बोले साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2019 के चुनाव में क्या आप भी लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। देखिए मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि मैं सिर्फ पार्टी में काम करना जानता हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा, उसको जीत दिलाने का काम करूँगा, उसको मैंडेट बढ़ाने का काम करूँगा। और रही बात चुनाव की जो आप बात कह रहे हैं तो ये जो भी हाईकमान का निर्देश रहेगा, मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे हाथ से कुछ नहीं होता और ना ही हम कुछ करना चाहते हैं, हम सिर्फ बैंक जी के निर्देशों का पालन करना चाहते हैं, जो भी उनका निर्देश रहेगा वो सर्वमान्य। बहन जी जो निर्देश देंगी उसका परिपालन आपको करना है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, हमी नहीं सभी पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लाखों हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो सभी लोग पालन करते हैं और बड़े शिद्दत के साथ बड़े तन्मयता के साथ पालन करते हैं और मुझे उम्मीद है आगे। ये थे बहुजन समाज पार्टी के नेता लक्ष्मी नारायण बघेल, जिनसे हमने उनकी राजनीतिक जो व्यूज हैं, राजनीतिक जो विचार हैं उनको लेकर के एक लंबी चर्चा की, उन्होंने तमाम बिंदुओं पर हमसे चर्चा की, उन्होंने उनका मानना है कि विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और उसका खामियाजा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कुछ जन विरोधी कुछ देश विरोधी नीतियाँ रही हैं, समाज विरोधी नीतियाँ रही हैं, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2019 में बहुत कम पड़ेगा। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है उन्होंने स्पष्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी की जो हाईकमान जैसा दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार ही हम सारे लोगों को कार्य करना है और विशेष रूप से एक बात जो उनके आने के बाद पार्टी में देखने को मिली है, उनके आने के बाद पार्टी में पार्टी के जो वर्कर्स हैं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह रहा है और उनका दावा है कि लोकसभा के चुनाव में वो जैसा भी दिशा निर्देश उनको हाईकमान से मिलेगा तन मन धन सब तरह से वो अपनी पार्टी के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। कैमरा मैन अनु श्रीवास्तव के साथ राम राव है।